इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है कुछ सिस्टम्स की। तो पहले हमारे पास दिया है कि एक बुलेट है जिसका मास है दिस केजी और वो ट्रेवल कर रहा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से। और दूसरे पार्ट में आपको दिया है कि एक बॉल है जिसका मास ये है और स्पीड है उसका 1 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद दिया है कि एक डस्ट पार्टिकल है जिसका मास है बहुत कम और उसका स्पीड है 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला। हम जानते हैं फॉर्मूला कि लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है भाई आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो सिंपल पार्टिकल है तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला यहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो एच अपॉन मास इनटू स्पीड या वेलोसिटी हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा फॉर फर्स्ट पार्ट लैम्डा इज इक्वल टू एच दैट इज 6.6 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाय मास कितना दिया है 0.04 0.04 kg ऐसा यूनिट्स में पुट कर रहे हैं मास। और स्पीड भी आपको ऐसा यूनिट में पुट करनी है दैट इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। सो दिस इज 1000 मीटर पर सेकेंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में भी यही फॉर्मूला लगाना है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच है आपके पास 6.6 × 10⁻³। मास आपको क्वेश्चन में दिया है 0.06 और स्पीड आपको दी है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे 1 मीटर पर सेकेंड तो आपको रिजल्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है थर्ड पार्ट में दिया है कि आपके पास एक डस्ट पार्टिकल है तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे तो एच है आपके पास 6.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास आपको दिया है 10⁻⁹ kg। सो आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁹ kg और आपको स्पीड दी है 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.2 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको मिल जाएगी डस्ट पार्टिकल की भी। ठीक है कर लेंगे आपको आंसर मिलेगा सब में मीटर में। यहाँ पे आंसर मिलेगा मीटर में बिकॉज सारी क्वांटिटीज एसआई में पुट की गई हैं। यहाँ पे आंसर मिलेगा इन मीटर और यहाँ पे भी आंसर मिलेगा इन मीटर मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन उन दोनों की वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है एक तरफ और यहां पे एक है फोटोन और उन दोनों की जो वेवलेंथ है वो 1 नैनोमीटर के बराबर है। लैम्डा इज 1 नैनोमीटर। यहां पे भी लैम्डा जो है वो 1 नैनोमीटर के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि उनके मोमेंटम कितने कितने होंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहां से आ जाएगा 6.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁹। तो आ जाएगा आपके पास लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास इन मीटर। सिमिलरली इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो उप्स यहाँ पे बेसिकली हम ये लैम्डा नहीं है बेटा ये पी लिखना चाहिए यहाँ पे। दोबारा करते हैं सवाल को। तो इस सवाल में आपको दिया है कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन दो हमारे पास हैं कंटेस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स और उनकी वेवलेंथ आपको दी हुई है। इसकी वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर और इसकी वेवलेंथ भी दी गई है 1 नैनोमीटर के बराबर। आपसे पूछा गया है कि इनके मोमेंटम कितने कितने होंगे। तो यहां से पी की वैल्यू आपसे पूछी गई है यहां से भी पी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन लीनियर मोमेंटम और वेवलेंथ के बारे में कि लैम्डा जो होता है वो होता है एच अपॉन पी के बराबर। तो पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एच अपॉन लैम्डा के बराबर। तो पी इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 6.6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे तो आपके पास आंसर मिल जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में।
सिमिलरली यहां पे भी यही फॉर्मूला होता है दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो आ जाएगा पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो यहां पे भी सेम आंसर आपको मिलेगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 1 नैनोमीटर इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, और आंसर आपको ऐसा यूनिट में मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ फोटोन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। तो यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करिए 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 नैनोमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो यहाँ से आपको एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगी इन जूल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि मोमेंटम हमने पहले पार्ट में निकाल दिया था, तो लीनियर मोमेंटम हमने निकाल दिया था दैट वाज एच बाय लैम्डा। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है कुछ इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाय टू एम। तो आ जाएगा आपके पास एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एम, तो आ जाएगा आपके पास एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू टू एम। तो यहां से आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर का स्क्वायर इंटू 2 इंटू एम, 2 है 2, एम इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाने वाली है इन जूल, इन जूल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल में पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, कि उसकी उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगी। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है न्यूट्रॉन की। तो भाई हम न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फॉर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, और ये न्यूट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करता है। बहुत ही छोटा पार्टिकल है, बहुत ही छोटा इसका साइज होता है। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम जानते हैं दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी हम जानते हैं, और लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी हमको पता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एच अपॉन टू एम के ई के बराबर। तो यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप यहां पे स्क्वायर कर दीजिए। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टू एम काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट जो है ये हट जाएगा, तो आपको मिलता है यहाँ पे सिंपली एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे इसको, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इनटू लैम्डा स्क्वायर। तो आप सब वैल्यू जानते ही हैं, तो एच की वैल्यू है 6.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, मास ऑफ न्यूट्रॉन यहां पे पुट करना होगा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आप यहां पे पुट करेंगे, ध्यान रखिए गलती हो सकती है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू लैम्डा का स्क्वायर। लैम्डा दिया है आपको 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, जाएगा आपके पास 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। तो आप इस रिजल्ट को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसी का सेकंड पार्ट है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको न्यूट्रॉन का निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है यदि ये न्यूट्रॉन जो है एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक मैटर के साथ जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के बराबर है एट 300 केल्विन, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है ये। अच्छा, समझाता हूं मैं क्या है।
इसमें कहा गया है आपको कि यदि काइनेटिक एनर्जी कोई मैटर जो है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। थर्मल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो न्यूट्रॉन है वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम है एक ऐसे मटेरियल के साथ जिसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT से दी जाती है। यानी कि कहना चाहते हैं कि जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन के पास है वही थर्मल काइनेटिक एनर्जी मैटर के पास है, और वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि 3/2 kT होती है। टी इज टेम्परेचर, टी क्या है यहाँ पे, टी इज टेम्परेचर, और के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेसिकली गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, R/NA इसकी वैल्यू होती है। और हमें निकालना क्या है, हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है लैम्डा। तो लैम्डा दिया है, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो आई थिंक इसको आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से कि हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, फ्रॉम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या जगह आपके पास एच डिवाइडेड बाय 2 times एम इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। ठीक बात, तो यहां से मिल जाएगा आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 into m into 3/2 kT का अंडर रूट, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपको मिलेगा 6.6 × 10⁻³⁴ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6 × 10⁻²⁷ into 3/2 kT into 3/2 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, दैट इज 1.38 × 10⁻²³। तो आएगा 1.38 × 10⁻²³, और यहाँ पे टी टेम्परेचर आपको लिखना है, टेम्परेचर दिया है 300 K, सो into 300। तो ये जो एक्सप्रेशन है आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इन मीटर, मीटर में आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालनी है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जिसका टेम्परेचर है 300 K। 300 K इसका टेम्परेचर दिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ टेम्परेचर, अज्यूम दैट द मॉलिक्यूल मूविंग विद द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर, और एटॉमिक मास आपको दिया है 14.0076 के बराबर। यानी कि जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं वो आरएमएस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, आरएमएस स्पीड के साथ। अच्छा, तो भाई आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बताइए 3RT/m के बराबर, सब लोग जानते हैं 3RT/m के बराबर, ये होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर नहीं 300 K की बात की है, तो यहां पे उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो आप लिख सकते हैं 3 into R, R की वैल्यू पुट करेंगे, R है हमारे पास 8.314 और टेम्परेचर दिया है आपको 300 K डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, डी ब्रॉगली नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन एयर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 ले, अच्छा ये सवाल जो है इसको कट कर देंगे पोस्ट प्रोडक्शन में, इस सवाल को करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, हाँ जी,